हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? आई एम श्योर कि ठीक होंगे एंड फिट फाट होंगे। तो मैं आ गई फिर से एक नई डिश के साथ, मूंग दाल का चीला। ये देखिए, ये मूंग दाल है जिसे मैंने रात भर भिगो दिया था। ये एक प्याली है, ग्राम में ये जो है 200 ग्राम होगी। ये देखिए, लिए चटनी के लिए सामान, जीरा, लहसुन, हरी मिर्च, नींबू का रस, इनको मैं ग्राइंड कर लूँगी, चटनी पीस लूँगी इसकी। अब एक मिक्सर लिया है मैंने, मिक्सर जार लिया है, इसमें मैं दाल डाल देती हूँ। दाल डाल देंगे, ये एक टमाटर लिए डाल देंगे, थोड़ी प्याज डाल देंगे, ये अदरक डाल देंगे थोड़ी सी, ये 6-7 हरी मिर्च डाल देंगे, ये डाल देंगे लहसुन। अब इसमें डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च डाल देंगे, हल्दी डाल देंगे थोड़ी सी, थोड़ा सा नमक, नमक डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। आप चाहें अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर लें। अब मैं इन सबको मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेती हूँ। तो फ्रेंड देखिए, चटनी हमारी तैयार हो गई है। अब ये घोल भी हमारा पीस के तैयार होगा। सभी चीज़ों को मैंने मिक्सर में ग्राइंड कर लिया, ये घोल तैयार कर लिया। अब इसको हम 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे, 10 मिनट तक रख देंगे ये रेस्ट करने के लिए। उसके बाद फिर आते हैं इसको पकाने के प्रोसेस में। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए मेरे नए वीडियो का। और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आते हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको मेरी डिश कैसी लगती है, जो बिल्कुल फ्री है। चलिए मिलते हैं 10 मिनट के बाद। तो फ्रेंड देखिए, 10 मिनट हो चुके हैं बैटर को रखे हुए। अब आ जाते हैं चूल्हे की ओर। चूल्हे पर एक पैन रख दिया है, थोड़ा सा तेल डाल देंगे। तो देखिए, थोड़ा सा ऑयल डाल के हमने इसे ब्रश से चारों तरफ फैला लिया है। अब हम अपना बटर लेंगे, ये देखिए बटर लेंगे और इस पर फैला देंगे। आंच को मीडियम रखना है। इनको ढक के थोड़ी देर पका लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, कितने अच्छे से ये हो गए हैं। ये देखिए साइड छोड़ने लगे। ये देखिए, हम थोड़ा सा तेल ऊपर भी लगा देंगे, थोड़ी देर और ढक के बनाएंगे इसको, थोड़ी देर और पकने देते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हो गया है। इसको हम पलट लेते हैं। ये देखिए, वाओ, कितने अच्छे से ये बन के तैयार हो गया है। इस साइड भी थोड़ी देर सिकने देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये कितने अच्छे से तैयार हो गया हमारा। आप चाहे और बड़ा बना लें, चाहे तो अपने पसंद के अनुसार चाहे जैसे बना सकते हैं, छोटा या बड़ा। ये देखिए एकदम सिक के तैयार हो गया। अभी इसको हम निकाल लेते हैं। ये देखिए, इसको हमने निकाल लिया। चलिए दूसरा भी इसी तरह से डाल लेते हैं। फिर से थोड़ा सा तेल लगाएंगे कढ़ाई में, फिर से बटर को डालेंगे, फिर से बटर को लेंगे, हिलाएंगे और डाल देंगे। आप चाहे तो बड़े में, बड़े तवे पर और बड़ा भी बना सकते हैं। खाने में बहुत टेस्टी होता है। सुबह सुबह ये नाश्ते में अगर बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा और जल्दी बन जाने वाला। एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा दोस्तों। चलिए थोड़ी देर इसको भी पकने देते हैं।
तो देखिए फ्रेंड्स, ये थोड़ा थोड़ा हमारा पकने लगा है, फिर से हम साइडों पे ऑयल लगा देंगे ताकि ये अच्छे से पक जाए। वो थोड़ा सा ऊपर भी लगा देंगे। चलिए फिर से ढक देते हैं, थोड़ी देर में ये तैयार हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, कोर छोड़ दिया है इसने, ये समझ लिए एक तरफ का, ये देखिए सीख गया। अब हम इसको पलट लेते हैं। ये देखिए पलट गया, इसमें ऑयल लगा देंगे थोड़ा सा और। अब इसको ढक के थोड़ी देर और पका लेते हैं। मैं इसी तरह से सबको तैयार कर लूंगी। तो फ्रेंड्स देखिए, दूसरा भी हमारा तैयार हो गया है। ये देखिए हम इसको निकाल लेते हैं। ये देखिए दूसरा भी तैयार हो गया, सबको मैं इसी तरह से बना लूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, सारे चिल्ले हमारे तैयार हो गए। देखिए एक प्याली में इतने ढेर सारे बन के तैयार हो गए। आइए इसके साथ स्पेशल वाली चटनी। तो फ्रेंड्स एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा, ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने में। रेसिपी कई बार ट्राई करने के बाद जब परफेक्ट होती है तभी आप लोग के पास जाती है। तो प्लीज़ प्लीज़ एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब करना तो बनता ही है, और मुझे कमेंट में बताइएगा कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। चलते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।